आपके पास कोई भी बाइक हो, अगर आप उस पे पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म या फिर नॉर्मल भाषा में जिसको लेमिनेशन बोलते हैं वो करवाने की सोच रहे हैं, देन ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें पीपीएफ या लेमिनेशन जो भी आप बोलना चाहें उससे जुड़े हुए आपके हर सवाल का, लगभग लगभग हर सवाल का जवाब है वो मिल जाएगा। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है कार्पियम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कार्पियम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपरली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आप कूपन कोड जीत अप्लाई करेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट है वो इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मिल जाएगा। तो लिंक अवर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसको जरूर से चेकआउट करना। एंड बी बैक टू द वीडियो। सो हेलो गाइज, माई नेम इज जीत, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये अपनी स्प्लेंडर है BS6। इसमें मैंने 2 महीने पहले PPF करवाया है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, एंड आज मैं उसका जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। हर चीज़ बताऊँगा, किस टाइप का PPF करवाना चाहिए, कितना लगभग खर्चा आ जाता है, क्योंकि इंस्टॉलर पे वेरी करता है, हर शॉप की अलग रेट है, एंड क्या PPF कराना सही है, अगर सही है तो कितने टाइम तक सही रहेगा, और अगर सही नहीं है तो क्या रीजंस हैं, सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले एक एक करके चलेंगे। शुरुआत करते हैं कि PPF क्यों करवाना चाहिए। तो PPF आपको तब करवाना चाहिए जब आपको अपनी बाइक की परवाह है, आपने एक नई बाइक खरीदी है, या फिर किस्मत से आपकी पुरानी बाइक का भी सारा पेंट सही कंडीशन में है और आपको लग रहा है कि इस पे मिट्टी की वजह से स्क्रैचेस होंगे, आप कपड़ा वगैरह लगाएंगे तो उसकी वजह से स्क्रैचेस होंगे, चलते फिरते बच्चे कुछ स्क्रैचेस वगैरह कर जाएं, या फिर आप मोटरसाइकिल्स में नॉर्मल जो हल्की सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स आती हैं 100 सीसी 150 सीसी, उसके आप टैंक पर भी कुछ ना कुछ रखते ही रहते हैं तो उसकी वजह से स्क्रैचेस हो जाएं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से अपनी जो बाइक है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, देन आपको पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है वो करवानी ही पड़ेगी। उसके अलावा ऐसा मुझे तो कोई तरीका नहीं पता है जिस जो कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जितना प्रोटेक्शन आपकी बाइक है उसको दे सके। तो ये तो हो गया आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा है कि किस टाइप का PPF करवाएं, खर्चा कितना आ जाता है और कहाँ से करवाएं। तो किस टाइप का PPF करवाएं, देखो अगर आपके पास बाइक है और आपके पास 1 से 2 लाख रुपए से नीचे नीचे की बाइक है, मतलब ये मान लेते हैं कि आपके पास 2.5-3 लाख रुपए से नीचे की बाइक है, तो उस पे 2-3 क्वालिटीज़ के PPF आते हैं। मेरे को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है PPF के बारे में, बिकॉज़ फिर वीडियो है ना बहुत लंबी हो जाएगी। एकदम लेमैन, एकदम नॉर्मल जो आदमी की लैंग्वेज है उसमें बताऊँ तो जो इंस्टॉलर है वो कितना रेप्यूटेड है उसी से पता चल जाएगा। जो फिल्म्स हैं उनको जब आप देखोगे पर्सनली तभी आपको आइडिया लग जाएगा। सो जनरली जो कार में PPF यूज होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, वो बाइक में यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज खर्चा बढ़ जाता है। मोटरसाइकिल में जो PPF यूज होता है वो ये मान के चलो आपकी ऐसी क्वालिटी का है जो कि 6 महीने से लेकर के 2 साल के बीच में चलेगा। खर्चा, आई नो मैंने PPF के बारे में कुछ भी टेक्निकल टर्म नहीं बताई है, बिकॉज वो मैं तभी बताऊंगा जब उसकी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अदरवाइज। खर्चा ये मान के चलो आप अगर पूरी बाइक पे PPF करवा रहे हो, जैसे मैंने स्प्लेंडर पे कराया है, तो मैंने 2,200 रुपीज़ हैं वो पे करे हैं। मेरे ख्याल से शायद जो इंस्टॉलर हैं उन्होंने 2,300 या 2,400 मांगा था, एंड उसमें मैंने और भी काम कराया था तो टोटल बिल तो मेरा 2,800 रुपीज़ का गया था, बट उसमें PPF अकेले का जो खर्चा है वो 2,200, मतलब 2,200 रुपये का खर्चा है वो आया था, जिसमें आगे का मडगार्ड आधा, आगे का वाइज़र, पेट्रोल टैंक, दोनों साइड के पैनल एंड दोनों टेल पैनल्स हैं वो कवर हो गए थे। तो आपको आइडिया लग गया होगा। और उनसे मैंने पूछा था कि अकेला अगर मैं पेट्रोल टैंक है वो ही PPF करवाऊं तब कितना खर्चा आएगा, तब उन्होंने मेरे ख्याल से 800 रुपये के समथिंग बताया था। तो अब देख लेना, 600 से 1,000 रुपये के बीच में अगर कोई आपका पेट्रोल टैंक है उस पर PPF कर रहा है तो वो डिसेंट, ना ज़्यादा ख़राब, ना बहुत ही अच्छी, ना ज़्यादा अच्छी, नॉर्मल क्वालिटी का जो PPF आता है वो आपको लगा के देंगे, एंड वो ठीक है, डिसेंट है। कहाँ से लगवाएं आसपास पता करो, बढ़िया काम कौन करता है, पुराने उनके प्रोजेक्ट्स देखो, मतलब उस बंदे ने पहले किसी बाइक पर PPF करा होगा, उसकी कंडीशन देखो। ये जो PPF है ये कहीं से भी उखड़ना चालू नहीं हो रखा है। हाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो PPF की वजह से नहीं है, वो स्टिकर्स की वजह से हैं, बिकॉज जहाँ जहाँ पर स्टिकर है ना
वहाँ पर आपको स्टिकर और पीपीएफ के बीच में एक एरिया दिखेगा जहाँ पर हवा है, एयर है, वो ट्रैप हो रखी है, वो मैं आपको क्लोज अभी क्लोज शॉट में आप देख सकते हैं उसको। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है अलग से, ये एयर बबल्स हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अपना जो पैनल है और जो अपना स्टिकर है उसके बीच में जो जगह रहती है माइक्रो मिलीमीटर्स में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस जगह पर जो पीपीएफ है वो प्रॉपर अपनी ग्रिप नहीं कर पाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको बबल टाइप दिखेगा, बट वो बुरा नहीं लगता है इतना फ्रेंकली स्पीकिंग। और क्वालिटी का काम है, वो मिले तो ही करवाना, अदरवाइज मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो पीपीएफ के नाम पर घटिया से घटिया तो मटेरियल काम में लेते हैं, दुनिया भर के उसमें एयर बबल्स रह जाते हैं एंड उसके बाद में वो ब्लेड वगैरह भी लगा देते हैं पेंट के ऊपर, तो फिर तो सारा पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है। मतलब क्या सेंस बनता है जब पीपीएफ करने वाले ने पेंट पे ही ब्लेड चला दी, तो फिर पीपीएफ मत ही करवाओ, इससे तो अच्छा है, बिकॉज स्क्रैचेस तो होंगे तब होंगे, ब्लेड तो ये अभी मार रहे हैं। सो वो देख लेना, ढंग के बंदे से कराना, बात ये है। और पीपीएफ अच्छे इंस्टॉलर से इसलिए इंस्टॉल कराना चाहिए बिकॉज आप ये जो पीपीएफ है इसकी कंडीशन आई थिंक देख पा रहे होंगे, तो इसमें ये जो आपको बबल्स दिख रहे हैं ये ऑल द वे जो पूरी इसकी जहाँ जहाँ पर पीपीएफ इसमें हो रखा है वहाँ पर दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी ख़राब है। एंड ये आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि जिनका यूजर्स इतना ख़राब होता है उनके लिए पीपीएफ कराना कितना ज़रूरी है, बट यही है कि जो इंस्टॉलर है आपका वो अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ यू विल हैव प्रॉब्लम्स। मेरे एरिया की बात करूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड, एक पैसा नहीं लिया है, ना ही उन्होंने मेरे को कोई डिस्काउंट दिया था, बस मैं मेरे मर्ज़ी से बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे एरिया में उनसे बढ़िया काम कोई नहीं करता है, उसके लिए भी मेरे को 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। वी रैप सीकर करके हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, मेरे से तो ज़्यादा ही सब्सक्राइबर्स हैं उनके, बहुत अच्छा काम करते हैं वो भाई अपने एरिया के हिसाब से। तो अगर आप सीकर या सीकर के आसपास से हो देन आप वहाँ पर जा कर के करवा सकते हो। मैं चिड़ावा से हूँ, यहाँ से सीकर 100 किलोमीटर्स पड़ता है मतलब लगभग, तो फिर भी मैं गया था वहाँ पर करवाने, तो आप देख सकते हो कि उनका काम है वो कैसा होगा। एंड बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है, मेरे को काम अच्छा लगा इसलिए मैंने बोला है। तो दो सवालों के जवाब हो गए आपके, मतलब दो मेन टॉपिक्स कवर कर दिए। अब बात करते हैं कि कितना अच्छा है ये और क्या वाकई में ये प्रोटेक्ट करता है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फ्यूल टैंक है इसके ऊपर आपको थोड़े थोड़े स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, तो अगर ये स्क्रैचेस पीपीएफ नहीं होता तो वो डायरेक्टली जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर ही लगते, तो प्रोटेक्शन तो है लेकिन कितनी है। वेल, ये मान के चलो आप कपड़े से साफ करते हो वो स्क्रैचेस पेंट पे नहीं आएंगे, पीपीएफ पे आएंगे। नॉर्मली कभी हाथ वगैरह लग जाता है, कोई बैग वगैरह आप रख देते हो, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं होनी चाहिए तो बच जाएगा। मतलब ये बहुत पतली सी लेयर है तो जब तक ये लेयर कटेगी नहीं उतना स्क्रैच तो ये झेल लेगी, लेकिन हाँ अगर आप ब्लेड लेकर के इसके ऊपर ब्लेड से कट मारने चलोगे तो वो आर पार हो जाएगी, बिकॉज ये गाड़ी वाला पीपीएफ नहीं है, गाड़ी वाला पीपीएफ थोड़ा मोटा आता है, बाइक में मेरे ख्याल से उतना थिक जो पीपीएफ है वो लग नहीं सकता बिकॉज इसमें बहुत सारी जगह कट्स हैं, बहुत सारे कर्व्स हैं, तो उनमें शायद वो पीपीएफ है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होता होगा। बाकी मेरे को इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं पता है पीपीएफ इंस्टॉल करने के बारे में, वरना तो मैं खुद ही कर लेता और आप लोगों के लिए वीडियो बना देता कि कैसे करते हैं, बट अभी इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है तो इसलिए मैं किसी और इंस्टॉलर से करवा के लाया हूँ। काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने एंड जो पर्पज़ इसका है वो ये सर्व कर रहा है। एंड आई थिंक आप देख पा रहे होंगे कि पीपीएफ करवाने के बाद भी मैंने जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर टैंक प्रोटेक्टर है वो भी लगा रखा है, वो इसलिए बिकॉज देखो पीपीएफ है वो उसकी भी एक लिमिट है और सबसे ज़्यादा स्क्रैच प्रोन एरिया है वो यही एरिया है, बिकॉज अपन आगे की साइड बैग लगाते हैं, मतलब आगे की साइड अपन करके बैग को मतलब टांगते हैं तो वो यहीं पर आकर के रब होगा, या फिर कोई छोटा मोटा सामान रखना हो गया तो उससे भी स्क्रैचेस आ जाते हैं, एंड जब आप बाइक पर चढ़ते हैं और उतरते हैं तब भी काफ़ी बार स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जितनी प्रोटेक्शन मैं कर सकता था उतनी मैंने करी है। हालांकि फिर भी बिकॉज मेरे अंकल यूज़ करते हैं इस बाइक को और वो एज ए कम्यूटर यूज़ करते हैं इसको, तो एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर पीपीएफ है वो पूरा ही फट चुका है एंड वहाँ पर पेंट है वो एक्सपोज हो रखा है, लेकिन वो एक दो जगह ऐसी हैं, बाकी जो सबसे बुरा ट्रीटमेंट टैंक के साथ ही होता है। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे आपका ये साइड पैनल्स हो गए, फ्रंट हो गया, वाइज़र हो गया, वहाँ पर कम स्क्रैचेस और कम अब्यूज़ होता है, वहाँ पे वेयर एंड टेयर भी काफ़ी कम होता है, तो उन एरियाज़ में तो मेरे को
एक डेढ़ दो साल तक PPF चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिस टाइप का यूजेस है, मेरे को लगता है कि हर 6 महीने से मेरे को जो फ्यूल टैंक है उसका PPF तो चेंज करवाना ही पड़ेगा, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। बट वही है कि 600 से 800 रुपए के बीच में PPF का लगेगा और टैंक आता है 6000 का, और रीपेंट यहाँ पे तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता है। सो वही चीज़ है, मेरे को जो मैं मेरे रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स करता हूँ उनके लिए भी पेंट कराने बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उस हिसाब से सही है। नई बाइक है तो इसके ऊपर जो PPF है वो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये कितना चलेगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप आपकी बाइक हमेशा धूप में ही खड़ी रहती है तो मैं ये बोलूँगा कि आप एक साल से ज़्यादा PPF को मत लगे रहने देना, एक डेढ़ साल के बाद में आप PPF को निकाल देना। अदरवाइज़ होगा क्या कि जो PPF है वो आपका जो पेंट है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक इसका कौन है, जितना हाई क्वालिटी का PPF होता है उसकी लाइफ है वो उतनी ज़्यादा होती है, बट फिर वो उतना ही महंगा होगा। अब खैर स्प्लेंडर भी बहुत महंगी हो गई है, बट फिर भी ये 80,000 रुपये की ही बाइक है, तो 80,000 रुपये की बाइक में आप 2,000 तक का PPF ही मेरे ख्याल से सही रहेगा लगवाना। उससे महंगा लगवाने जाओगे तो फिर शौक है तो लगवा सकते हो नो डाउट, और अगर कोई ढंग का इंस्टॉलर है जिसके पास वो क्वालिटी अवेलेबल है देन नो डाउट गो फॉर इट। बट मेरी तो यही राय रहेगी कि मेरे को तो फिर से करवाना होगा तभी मैं यही करवाऊंगा, बिकॉज ये अफोर्डेबल है। एंड उसके अलावा अगर आपकी बाइक है वो छांव में रहती है, मतलब शेड है, पार्किंग वगैरह है, प्रॉपर कवर्ड, देन आप 2 साल तक भी चला सकते हो, लेकिन 2 साल से ज़्यादा मत चलाना, अदरवाइज़ फिर ये जो PPF है आपका पेंट ही डैमेज करना शुरू कर देगा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। सो यही था, अगर आपके पास 2 लाख रुपए से नीचे की बाइक है देन ये 2,500 रुपए में जो PPF होता है वही करवा लेना, उससे महंगा करवाना मेरे को तो वर्थ लगा नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपको अवेलेबल होता है वाकई में वो उतने पैसे की चीज़ है देन गो फॉर इट। इंस्टॉलेशन अच्छा होना चाहिए, वो ब्लेड वगैरह वाला जो मैंने बताया था वो ध्यान में रख लेना। एंड विद दैट बीइंग सेड, मेरा जो PPF का एक्सपीरियंस था वो यही था। अब इसको जब भी मैं निकलवाऊंगा, मतलब 6 महीने 8 महीने में जब ये टैंक का PPF है ये फिर से करवाना पड़ेगा, ऐसी हालत हो जाएगी तब फिर से दिखा दूंगा कि PPF को निकालते टाइम डैमेज होता है क्या, होता है तो वो बता दूंगा, नहीं होता है तो वो बता दूंगा। सो विद दैट बीइंग सेड, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था गाइज। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट, एंड फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।